फ्रेंड्स, आज बाजार ने शानदार क्लोजिंग दी है, यानी करीब 1000 पॉइंट के ऊपर तेजी हमें देखने को मिली। कल थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी और इसके पीछे वजह यह थी कि काफ़ी कम समय में कम से कम 4000 पॉइंट की बड़ी तेजी देखने को मिली थी और इस वजह से लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया और प्रॉफिट बुक करना भी चाहिए। अगर कम समय में अच्छा खासा प्रॉफिट मिले तो आपको बिल्कुल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और मैंने कल ही आपको कह दिया था कि ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है, कल से फिर बाजार तेजी से आगे भागेगा और बिल्कुल वही हुआ। आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है FII लगातार अब खरीदारी करने लगे और इस वजह से बाजार में हमें लॉन्ग टर्म में तेजी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में कुछ क्वालिटी स्टॉक में हमें दाव लगाना चाहिए जहाँ पे हमें लगता है कि आपको भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड यानी भेल में निवेश करना चाहिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है इस लेवल पर। यहाँ पर बहुत समय के बाद कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी बताया और जिससे लगता है कि ये कंपनी कमाल कर सकती है, इनकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। और दूसरी तरफ आपको बजाज फाइनेंस में निवेश के बारे में सोचना चाहिए, मुझे लगता है ये स्टॉक कमाल करेगा। और दो कंपनी और हम डिस्कस करने वाले हैं, एक कंपनी है जो आपको बोनस देने जा रही है, आप खरीद सकते हैं, काफ़ी अच्छा है और कम प्राइस में स्टॉक मिल रहा है। एक कंपनी है जो बहुत मजबूत बड़े ग्रुप की कंपनी है, आपको डिविडेंड देने जा रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चार स्टॉक को साथ में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कौन से स्टॉक में हमें दाव लगाने से अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो ये आपको खास ध्यान रखना है, यहाँ पे हम इस वीडियो के माध्यम से चार कंपनियों को साथ में डिस्कस करने वाले। तो लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की। तो स्टॉक आज ओपन हुआ 50 पर, हाई बनाई इसने 51 की, लो है 50 का, अंत में 51.25 पर क्लोजिंग है, 2.09% की शानदार तेजी देखने को मिली। अब भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की बात करें तो यह हैवी मशीनरी बनाने वाली कंपनी है और हर क्षेत्र में कंपनी का कारोबार है। चाहे आप थर्मल पावर प्लांट के लिए देख लो, गैस पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट, कंपनी एरोस्पेस से लेके रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कारोबार करती है कंपनी, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में या किसी भी हर तरह की बड़ी से बड़ी मशीनरी भेल के बिना बनी नहीं सकती। चाहे जितने बड़े मोटर्स बनाने हो, ट्रांसफार्मर्स बनाने, तो कंपनी बना के देती है। रेलवे के लिए सारे के सारे मशीनरी कंपनी बना के देती है और इसीलिए कहता हूँ कि इसका ये पोर्टफोलियो मुझे बहुत मजबूत लगता है। डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी टर्बाइंस और स्टीम जनरेटर सब कुछ बना के कंपनी देती है और इसलिए मैं कहता हूँ इसमें आपको निवेश करना चाहिए। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 16 नवंबर 2007 को इसकी प्राइस 371 तक चली गई थी। इसकी गिरावट में प्राइस देखें तो 20 रुपीज की थी 27 मार्च 2020 को, उसके बाद में काफ़ी अच्छा इसने प्रदर्शन किया। यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, भेल ने न्यूक्लियर स्टीम जनरेटर NPCIL को सपोर्ट कर दिया है। तो एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट किया इन्हें, एक तरह से ये मेजर माइलस्टोन अचीवमेंट है। तो एक बड़ा ऑर्डर पूरा किया इन्होंने NPCIL का और कंपनी लगातार बहुत तेजी से कारोबार अच्छा बढ़ा रही है अपना। 50 रुपीज़ का लो इसका 43 रुपीज़ का है, इसका हाई 80 रुपीज़ का, फिलहाल स्टॉक 51 पर है। इस समय आपको एंट्री करनी चाहिए। कंपनी के रिवेन्यू को अगर देखें तो दिसंबर 2020 में 4,451 करोड़ रुपीज़ का था, मार्च में बढ़कर 7,170 करोड़ रुपीज़ तक पहुँच गया, जून 2021 में 2,901 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू मिला कंपनी को, सितंबर 2021 में 5,112 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू मिला और दिसंबर 2021 में 5,136 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू जनरेट किया कंपनी ने। तो पिछले दिसंबर से दिसंबर में रिवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। कंपनी के प्रॉफिट की अगर बात करें, दिसंबर 2020 में 217 करोड़ रुपीज़ का लॉस था, मार्च में लॉस बढ़कर 1,035 करोड़ रुपीज़ तक पहुँच गया था, जून में फिर लॉस में कमी आई, 447 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ, सेप्टेम्बर आते आते लॉस रह गया 45.98 करोड़ रुपीज़ का और दिसंबर 2021 में कंपनी 27.02 करोड़ रुपीज़ के प्रॉफिट में आ गई। तो ये आपको खास ध्यान रखना है, कंपनी बड़े लॉस से प्रॉफिट में आई है और लगातार ये ग्राफ बढ़ रहा है, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी आने वाले समय में यानी क्वार्टर फोर में और भी शानदार प्रॉफिट दिखा सकती है क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक मजबूत है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्वार्टर थ्री के रिजल्ट को देखें तो बहुत ही शानदार आंकड़े निकल कर आए, रिवेन्यू 5.14,000 करोड़ रुपीज़ का है, जहाँ पे 15.38% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 27.02 करोड़ रुपीज़ की है, जहाँ पे 112.43% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 0.53% है, जहाँ पे 110.86% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही शानदार क्वार्टर थ्री का रिजल्ट पेश किया कंपनी ने। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए एक बार इसके पीवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 49.35 पर फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो फिर 48.50 तक जा सकता है। तीसरा जो सपोर्ट निकल कर आया वो 47.30 का है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि गिरावट में ये 47.30 तक जा सकता है। और फ्रेंड्स, अगर
ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा, तो जो टारगेट निकल के आ रहे वो 51.40 का है, जो ऑलरेडी था यहाँ तक स्टॉक पहुँच चुका है। सेकंड 52.60 सेकंड रेजिस्टेंस है इसका, इसको ब्रेक किया तो भी 53.45 तक जा सकता है। तो बिल्कुल यही मौका है जब इन्वेस्टमेंट करें, बाजार में शानदार तेजी का वातावरण बनने लगा है, यह स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है। सिर्फ 5 साल का इसको होल्ड करके रखें, मुझे लगता है इस बार ये 500 को आराम से टच कर सकता है। चलते हैं हम दूसरे स्टॉक की तरफ जो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बहुत ही मजबूत कंपनी है बजाज ग्रुप की, और बड़ी बड़ी कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, हर तरह के फाइनेंस सेगमेंट है इनके, और कंपनी तेजी से ग्रो कर रही है। आज के कारोबार की बात करें तो 6828 पर स्टॉक आ चुका है, जहाँ पे 2.42% की शानदार तेजी देखने को मिली है। और इसके प्रदर्शन को अगर हम देखें तो पिछले एक साल पहले इसकी प्राइस यानी 19 अप्रैल 2021 को इसकी प्राइस 4479 थी, तो काफ़ी नीचे से स्टॉक भागा। इसने जो हाई बनाई वो 23 सितंबर 2021 को 7899 की थी, तो करीब 8000 के पास स्टॉक था, वहाँ से करेक्शन हुआ, अभी फिलहाल थोड़ा नीचे आ चुका है, यहाँ से फिर से तेज़ी को भागने को तैयार हो चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर देखें हम बजाज फाइनेंस के, तो प्रमोटर की होल्डिंग 56.03% के जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है, कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं है। बात अगर FII की करें तो 25.35% की होल्डिंग जून में थी, 24.64 हुई सेप्टेम्बर में, फिलहाल 23.91% की होल्डिंग है, तो कुछ होल्डिंग FII की घटी है। बात अगर DI की करें तो 8.02% होल्डिंग जून में थी, 8.73 हुई सेप्टेम्बर में, फिलहाल 9.05% की होल्डिंग है। तो बड़े फंड हाउस ने लगातार अपना निवेश बढ़ाया है बजाज फाइनेंस में, हर क्वार्टर में उनकी होल्डिंग बढ़ रही है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 6.57% की होल्डिंग जून में थी, 7.19 हुई सेप्टेम्बर में, फिलहाल 7.43% की होल्डिंग है। तो म्यूचुअल फंड भी हर क्वार्टर में लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। अदर्स की बात करें तो 10.60% की होल्डिंग जून में थी, 10.60 हुई सेप्टेम्बर में, फिलहाल 11.01% की होल्डिंग है। अदर्स यानी जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ पे DI और म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा निवेश लिया हुआ है, और FII की भी खासी अच्छी होल्डिंग है, तो बिल्कुल इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यह स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है। क्वार्टर थ्री के रिजल्ट को देखें तो रिवेन्यू 6000 करोड़ निकल कर आए, जहाँ पे 39.68% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 2.13000 करोड़ रुपीज़ के, जहाँ पे 85.46% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डायलोडेड EPS 35.02 है, जहाँ पे 84.9% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 35.42% है, जहाँ पे 32.76% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट कंपनी ने पेश किया, और इसमें आपको निवेश बिल्कुल करना चाहिए, यह स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है। कंपनी के अगर रिवेन्यू को देखें तो दिसंबर 2020 में 6656 करोड़ रुपीज़ का था, मार्च में बढ़कर 6851 करोड़ रुपीज़ हो गया, जून में 6742 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू, सितंबर 2021 में कंपनी ने 7731 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू जनरेट किया, और दिसंबर 2021 में रिवेन्यू बढ़कर 8533 करोड़ रुपीज़ तक पहुँच गया। तो पिछले दिसंबर 2020 से 2021 के अंदर जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है रिवेन्यू में। प्रॉफिट की अगर बात करें तो दिसंबर 2020 में 1146 करोड़ रुपीज़ का था, मार्च 2021 में 1347 करोड़ रुपीज़ हुआ, जून 2021 में 1002 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट, और सितंबर 2021 में 1481 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ कंपनी को। दिसंबर आते थे प्रॉफिट बढ़कर 2125 करोड़ रुपीज़ तक पहुंच गया। तो यूँ देखेंगे पिछले दिसंबर से दिसंबर में लगभग दुगुना हो चुका है प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट जिस तरह से बढ़ रहा है उससे एक बात समझ में आ रही है कि ये स्टॉक कमाल करेगा। इसके नेटवर्थ को अगर देखें तो मार्च 2021 में 36918 करोड़ रुपीज़ का था, और सितंबर 2021 में बढ़कर 39000 तक पहुंच गया है। तो जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है इनके नेटवर्थ में, और इसीलिए इसमें मैं कहता हूं कि आपको निवेश करना चाहिए, और ये स्टॉक जिस तरह से तेज़ी से दौड़ रहा है मुझे लगता है कि ये कमाल कर सकता है। 5 साल के लिए इसको होल्ड करके रख ले, मुझे लगता है इस बार ये 20000 को टच कर सकता है, तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें, काफ़ी अच्छा स्टॉक लग रहा है, और आने वाले समय में ये स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है, और बजाज ग्रुप का ये मजबूत स्टॉक है, और जिस तरह से पॉजिटिव माहौल बना हुआ है ये स्टॉक तेजी से भागेगा। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको डिविडेंड और बोनस देने जा रही है। हम बात करेंगे बोनस देने वाली कंपनी, तो वो है श्री गणेश बायोटेक लिमिटेड। यह एक बायोटेक कंपनी है, और कंपनी का प्राइस देखें तो बहुत कम है, अभी फिलहाल शेयर की प्राइस 10.90 पर स्टॉक है, और यहाँ पे 1.54% की हमें गिरावट देखने को मिली है। सुबह क्लोजिंग शुरुआत इसकी अच्छी हुई थी, करीब 12 रुपये तक हाई में गया था, फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, फिलहाल इसमें करीब 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। जो रिजल्ट पेश किया कंपनी ने क्वार्टर थ्री का बहुत ही बेहतरीन है। इनका जो रेवेन्यू निकल कर आया वो 19.03 करोड़ रुपीज़ का है, जहाँ पे 142.67% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 95.01 लाख रुपीज़ की है, जहाँ पे 159.52% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डायलोडेड EPS 0.05 है, जहाँ पे 150% की शानदार बढ़त देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.99% है, जहाँ पे 6.85% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट पेश किया गणेश बायोटेक ने क्वार्टर थ्री का। अब गणेश बायोटेक आपको
एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देगी। तो ये बहुत ही शानदार है, आपके पास अगर एक शेयर होगा तो आपको दो शेयर हो जाएंगे। और इन्होंने जो अनाउंसमेंट डेट किया वो है 7/3/2022 और इसकी जो एक्स डेट है वो है 27/4/2022, रिकॉर्ड डेट है 28/4/2022। तो 27/4/2022 के पहले आपके पास शेयर होने चाहिए अकाउंट में, तो बिल्कुल आपको बोनस मिलेगा। और कंपनी का पोर्टफोलियो मजबूत है, कंपनी की प्राइस भी फिलहाल बहुत कम है, इस समय आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको डिविडेंड देने जा रही है, यानी महिंद्रा CIE। ये महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है, तो आप देख लो कि इसकी प्राइस आज 178 पर, जहाँ पे 1.13% की हमें तेजी देखने को मिली। इसकी परफॉर्मेंस को अगर देखें तो 20 अप्रैल 2021 को 151 पर स्टॉक था, फिर काफ़ी अच्छा दौड़ा, 298 की इसने हाई बनाई थी 16/2021 को, और अभी करेक्शन में काफ़ी नीचे है। इस समय एंट्री आप इसमें कर सकते हैं। कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, यानी पर शेयर आपको 25% का डिविडेंड मिलने वाला है, यानी ₹2.5 पर शेयर आपको डिविडेंड मिलेगा। इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 22/2/2022 और इसकी एक्स डेट है 13/4/2022, यानी अगले महीने की 13 तारीख के पहले अगर आपके पास शेयर है तो बिल्कुल आपको डिविडेंड मिलेगा। और अगर आप डिविडेंड में इंटरेस्टेड है तो इस कंपनी में बिल्कुल निवेश करें, महिंद्रा ग्रुप की मजबूत कंपनी है। तो ये चार बेसिकली मैंने स्टॉक आपके साथ में डिस्कस किए। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इस समय भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड बहुत ही मजबूत कंपनी है, खरीदारी के लिए अच्छा बन रहा है स्टॉक, और बजाज फाइनेंस तो बहुत ही मजबूत है, यहाँ पे निवेश करना चाहिए। और ये जो दो बोनस और डिविडेंड के स्टॉक है वो भी आप अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइस से एक बार ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।